आपके पास ये होना ही चाहिए. आई विश मुझे पहले मिल जाता. मस्ट 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 हैव. Hi guys, welcome to my YouTube channel. I hope you guys are healthy और मजे कर रहे हो. मैं भी कुछ दिन में ट्रिप में जाने वाली हूँ जिसकी बात मैंने अपने पिछले वीडियो में की थी, इसलिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ. काम डाउन. तो मैं भी पैकिंग कर रही थी, अपनी इंपॉर्टेंट चीजें एक पाउच में रख रही थी जिसके बिना मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकती. मतलब अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो वो बैग, वो चीजें मेरे पास होनी ही चाहिए. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वो आप लोगों से भी शेयर करूँ. और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता होगा कि वो होनी चाहिए. तो आपकी लाइफ कितनी सेट हो जाएगी. जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने वाली हूँ उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. मोस्टली मैंने सब कुछ आई थिंक अमेजोन से ही लिया है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है ये हमारा टूथब्रश होल्डर. जब भी आप किसी होटल वगैरह में जाते हो तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको एक अलग सी जगह मिले ब्रश रखने के लिए. और जब भी आप ब्रश करते हो तो अपने ब्रिसल्स जो है ना वो गीले हो जाते हैं. और फिर आप उसको पाउच में या किसी बैग में रख दोगे तो उसके आसपास की जो जगह है ना वो मॉइस्चर कंटेन कर लेती है. और जो ब्रिसल्स हैं वो बैक्टीरिया से उसमें लग सकता है और ओरल हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता और अनहाइजेनिक भी होता है. क्योंकि नेक्स्ट डे आप उसी ब्रश को यूज करने वाले हो, आसपास की चीजें भी खराब हो जाती हैं. ये ब्रश मेरा ट्रैवलिंग वाला ब्रश है, ये हमेशा इसी टूथब्रश होल्डर में रहता है. बस इसको ऐसे रखो, ऐसे बंद करो और ये ऐसे पैक होगा और ये खुलता नहीं है. और यहाँ ना टूथब्रश होल्डर में ऐसा ये होल है तो इस होल से ऐसे एयर पास होते रहता है और आपका ब्रश भी जो है ड्राई हो जाता है. डू बाय दिस वन, दिस इज वेरी गुड. जब तक आपके पास नहीं होता ना तो आपको समझ नहीं आता है कि यार इसकी जरूरत है. वरना पहले तो ऐसे होता था कि मैंने ब्रश किया, मुझे लगता था यार मैं इसे कहाँ रखूँ, ये गीला हो जाएगा, या फिर मुझे अलग से एक पॉलिथिन में से इस वाले पार्ट को मैं ऐसे रैप कर देती थी ब्रिसल्स के पास. बट जब से ये आ गया ना, मतलब मेरे लिए बहुत इजी है कि कहीं पे भी मैं ऐसे रख सकती हूँ. मुझे ऐसे टेंशन नहीं होती है कि यार ये गंदा हो जाएगा, मैं कहाँ रख रही हूँ. दिस इज मस्ट बाय. अब जो दूसरी चीज़ है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो इस बारे में एक महीने पहले ही पता चला था. ये है हमारी दूसरी चीज़. सॉरी, ये है हमारी दूसरी चीज, पी बडी. इसके पहले मैं पी सेफ यूज करती थी, बट ना मुझे उसके ऊपर ना उतना से भरोसा नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता था ये काम करता है कि नहीं करता है. लड़कियों के पास तो ये होना ही चाहिए, ट्रस्ट मी. अगर आपके पास ये है तो आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड है. मतलब मुझे इसके पहले ना बहुत ऐसे कंट्रोल करके रखना पड़ता था. जब हम ट्रेवल करते थे ना, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था कि यार वॉशरूम गंदे होंगे. और हमें पता है कि हम कैसे मन मार के ऐसे वॉशरूम जाते हैं, मतलब ऐसा लगता है क्यों जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है. मैं हमेशा स्क्वाट पोजीशन में ही जाती हूँ, बट फिर भी वो बहुत ही, क्या ही बताऊँ, बहुत ही गंदा लगता है. जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मैं तो पानी ही कम पीती हूँ कि मुझे वॉशरूम कम यूज करना पड़े. बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, पर मैं क्या करूँ. तो बेसिकली इस प्रोडक्ट को यूज करके यू कैन पी और आपको बैठने की जरूरत नहीं है, चाहे वो इंडियन टॉयलेट हो चाहे वो वेस्टर्न टॉयलेट हो. तो इसमें आपको ना ये 10 फनल मिलेंगे ऐसे. इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि इसको कैसे यूज करना है. और ये है ये फनल, ऐसे दिखता है, ऐसे लग रहा है कि किसी बच्चे ने बनाया. और ये कुछ एयरप्लेन टाइप वाली चीज है जो हम बचपन में बनाते थे, पर ये ऐसा नहीं है, बहुत ही काम की चीज है ये. बट ट्रस्ट मी दिस इज वेरी यूजफुल. लेट मी गिव यू अ डेमो. डेमो कैसे दूं? तो इसमें आपको क्या करना है, ये सोचो कि यहाँ ऐसे ये पानी जा रहा है. तो आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप पैसे पकड़ोगे इसे. बट जस्ट डू योर बिजनेस और फेंक दो इसे. लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट. ये जो प्रोडक्ट है दिस इज मस्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग. और प्रोडक्ट है ये ड्राई शैम्पू. जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना तो इतना टाइम नहीं होता है कि हेयर वॉश करो फिर उसे सुखाओ. और दूसरी चीज, आलस भी आता है क्योंकि आप पूरे दिन ट्रैवल कर रहे हो, थक चुके हो, अब हेयर वॉश करना है, मतलब एक ऐसा लगता है एक बड़ा टास्क है. टाइम भी नहीं होता है क्योंकि ऐसा होता है कि यार सारी जगह कवर करना है, इधर खाने जाना है, पीने जाना है और पिक्चर्स भी क्लिक करानी है. तो उस चीज में ये बहुत काम आता है. इसे आप घर पे मत यूज करो कि आप घर पे हो, टाइम है, आराम से फिर भी ड्राई शैम्पू यूज कर रहे हो. ट्रैवलिंग के लिए ठीक है बट डेली यूज के लिए अच्छा नहीं है ये. इसे यूज करके आपके बाल 2 मिनट में बिल्कुल फ्रेश लगने लगते हैं. ऐसे लगता है कि जस्ट हेयर वॉश किया है. जो भी ऑयल होता है थोड़ा बहुत वो बिल्कुल ये सोक कर लेता है. और इसमें ना वाइट कास्ट भी नहीं है. और ये छोटा सा है तो ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा है. मैं सिर्फ ट्रैवलिंग के टाइम पे ही ड्राई शैम्पू यूज करती हूँ तो मुझे छोटा सा ही चाहिए था. और ये 1 साल से मेरे पास है. तो ट्रैवल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये. मैं आपको बताती हूँ इसे यूज कैसे करना है. तो एकदम आपको स्कैल्प के पास नहीं रखना है, थोड़ा दूर रख के इसे स्प्रे करके आप हल्का हल्का इसे मसाज कर दोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरा फेवरेट, लिप बाम. मैंने बहुत सारे वीडियोज में मेंशन किया है कि ये मेरा फेवरेट लिप बाम है. देखिए मेरे पास ना ये 3 है, एक ये
एक ये और एक ये, एक तो मेरे ट्रैवलिंग बैग में होता है, एक घर पे ही रखा होता है और एक मेरा जो शूट वाला बैग है उसमें होता है। मतलब मुझे ये इतना पसंद है ये, क्योंकि मेरी स्किन जो है ना बहुत ड्राई है और मेरे लिप्स भी इस वजह से बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत जल्दी चैप्ड हो जाते हैं। इसे मैं रात में मस्त एक थिक लेयर लगा के सोती हूँ और बिल्कुल सुबह उठते एकदम सॉफ्ट लिप्स होते हैं मेरे, क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत सारे लिप बाम यूज किए हैं बट वो प्रॉब्लम ना गई नहीं। मुझे बार बार लिप बाम लगाना पड़ता था और ऐसे वाइट भी हो जाता था लिप्स के आसपास, और बहुत गंदा लगता था सच में। अगर मतलब बाहर जोर से तो अजीब सा लगता था, कहीं वाइट वाइट तो नहीं हो गया। तो इस वजह से मुझे दूसरे लिप बाम जो है ना उतने पसंद नहीं है। तब से मैंने इसे स्टार्ट किया ना, मुझे कोई भी लिप बाम पसंद नहीं आ रहा है। सच में ये वर्थ इट है, ये है 500 का। तो आपके लिप्स मेरे जितने अगर ड्राई नहीं है, क्योंकि मेरे लिप्स तो सुपर ड्राई हैं, तो ये आपको आराम से एक साल चल जाएगा। जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो हमारी बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि हम चल फिर रहे होते हैं, इधर उधर की चीजें खाते हैं और पानी पीने का तो ख्याल ही नहीं रहता है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। बट अभी क्या करें, ट्रैवलिंग के टाइम पे उतना ध्यान जाता ही नहीं कि यार पानी भी पीना है। तो इस वजह से क्या होती है कि हमारी स्किन और लिप्स ना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो रात में आप इसे थिक लेयर लगाकर सो जाओ, सुबह एकदम टेंशन फ्री रहो कि यार लिप्स मेरे ड्राई हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। और मैं तो इसे ना हल्का सा ऐसे आईज के साइड साइड में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ की स्किन भी ना बहुत जल्दी ड्राई होती है। अभी एकदम से ऐसे नहीं होगा कि सेकेंड डे दिखने लगेगा, क्योंकि लिप्स वाली चीज तो एकदम ऐसे सेकेंड डे आपको दिख जाता है कि यार मेरे लिप्स ड्राई हो गए हैं, चैप्ड हो गए हैं। पर ये वाली चीज आपको धीरे धीरे धीरे, आपको एजिंग यहाँ जल्दी होने लगेगी। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि यहाँ पे हल्का सा ऐसा लेती हूँ और फिर यहाँ पे ऐसे डार्क कर लेती। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर कितना भी जोर डालू ना वो कम है। वो है ये पेपर स्प्रे, ब्लैक पेपर स्प्रे। आई नो बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इसकी क्या जरूरत है, मैं थोड़ी ना अकेले ट्रिप में जा रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बट किसी भी कंडीशन में, वेदर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास ये होना ही चाहिए। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि यार मुझे इसकी क्या जरूरत है। मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे बहुत बोलता था कि यार इतना सा तो है, छोटा सा होता है तो अपने बैग में रख ले, क्या ही प्रॉब्लम है। बट मैं भी नहीं रखती थी। बट जब से मैंने इसे रखना स्टार्ट किया ना, वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कि आपको पता है कि आपके साथ कुछ भी किसी ने हरकत की ना तो आपके पास कुछ है अपनी सेफ्टी के लिए, आप कुछ कर सकते हो। मतलब उसने कुछ भी किया तो भगवान ना करे कि कभी भी इसे यूज करने की जरूरत आए, बट फिर भी आपके पास होना तो चाहिए ही। मतलब आपको एक अलग ही फील होगा, आप मेरी बात मानो और इसे ले लो, मतलब आंख बंद करके ले लो इसे। तो एक और चीज, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो इसे आप हैंडबैग में मत रखना, वरना वो निकलवा देंगे। इसे आप अपने बैगेज में रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मेरा ये नेक पिलो, क्यूट सा नेक पिलो। इसे मैं हर जगह ले जाती हूँ, जब भी मुझे नींद आती है बस मैं इसे लगाती हूँ और बस सो जाती हूँ। मेरा ना ये हिडन टैलेंट है, मैं कभी भी कहीं भी सो सकती हूँ। जब भी हमें नींद आती है ना तो हम ऐसे ऐसे करके सोते हैं, और उससे क्या होता है कभी कभी हमारे गले की ऐसे ये जो नस है ना वो खिंच जाती है, और आप 2-3 दिन तक हम ऐसे ऐसे सर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इसे लगा लोगे तो एक्सटेंड के बाद ना आपका गला जो है ना वो नीचे जाएगा ही नहीं, इससे नीचे आपका गला जाएगा ही नहीं किसी भी डायरेक्शन में, ना ही पीछे ना ही आगे, किसी भी तरफ। तो मेरे बाल खराब हो गए। ये मैंने मिनीसो से लिया था 3 साल पहले। एक टिप मैं आपको देना चाहूंगी, जब भी आप नेक पिलो खरीद रहे हो तो, अगर आपके पास नहीं है तो, ये जो नेक पिलो के अंदर है ना, जैसे मेरे नेक पिलो के अंदर खुल जा, हाँ मेरे नेक पिलो के अंदर ना यहाँ पे स्पंज दिया हुआ है, बीन्स नहीं है। तो जब बीन्स होता है ना तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सर रखते हो ना तो वो ऐसे डिस्प्लेस होने लगता है, तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट सा फील होता है। मेरे पास पहले बीन्स वाला ही था तो मुझे ना उतने अच्छे से नींद आती नहीं थी, जैसे मैं सर रखती तो पूरा इधर उधर हिल जाता था और ऐसे आवाज़ भी आती थी, तो मुझे उतना पसंद नहीं आता था। ये बहुत ही सॉफ्ट है। और दूसरी चीज़ ये जो इसका बाहर का जो कवर हो ना, उसको आप ऐसे हाथ लगा कर देखना कि आपको ऐसा सॉफ्ट सा फील हो रहा है कि नहीं, कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं आप फेस पे लगाने पे, क्योंकि अगर आपको कंफर्टेबल ही नहीं लगेगा तो आपको नींद कैसे आएगी। बट मुझे बहुत पसंद है क्यूट सा, मुझे ना ऐसे क्यूट वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक्चुअली इसे ना मैंने अपनी एक फ्रेंड को गिफ्ट किया था और वो मेरी रूममेट थी, तो वो उतना ट्रैवल नहीं करती थी और मैं ज़्यादा ट्रैवल करती थी शूट्स वगैरह की वजह से। तो मैं इसे बार बार लेकर जाती थी कि यार मैं जाऊँगी ना नेक्स्ट टाइम खरीद लूँगी, नेक्स्ट टाइम खरीद लूँगी। तो उसने मुझे बोला एक बहन एक काम कर तू इसे रख ले। तो इस वजह से ये मेरे पास है। मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड साउंड कर रही हूँ, अब मुझे इसे थोड़ा काम डाउन होना चाहिए, क्योंकि वैसे ट्रिप में जा रही हूँ ना तो अंदर से अलग ही खुशी होती है यार, क्या ही बताऊँ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना तो अपने कपड़ों के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्पेशली समर्स में। तो मैं अपने साथ 3-4 चीज़ें कैरी करती हूँ और इन सारी चीज़ों का मैं भी ब्रीफ में नहीं बताऊँगी, ऐसे बस थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको ब्रीफ में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो सबसे पहला है ये निपल टेप, इसमें आपको ऐसे ये कवर भी मिलेगा और इसमें आपको 6 ऐसे कवर्स मिलेंगे, रीयूजेबल होता है ये, बट इसकी पॉलिथिन मत घुमाना वरना फिर ये नहीं यूज आ पाएगा। पहले मैं, मेरे पास जो निपल टेप था ना
वो ऐसा था इस वाले बॉक्स में, तो इसको ना कैरी करने में बहुत डिफिकल्टी होती थी क्योंकि बहुत ऐसे जगह लेता है ये और अलग अलग भी हो जाता था, तो ये बहुत बेटर है उससे। जैसे बिल्कुल पाउच जैसा पैक हो गया, सॉरी पाउच जैसा पैक हो गया और इसको आप बैग में रख। ये है क्लोथिंग टेप, जैसे कभी कभी हम चलते फिरते हैं या तो काउल नेक, तो जब भी हम झुकते हैं या तो कपड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है, तो उसमें आप कपड़े के साथ स्टिक कर दो तो वो कपड़ा जो है ना नीचे नहीं गिरता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसको आप ऐसे यहाँ से कट करो, लगा लो और कपड़े को ऐसे चिपका दो स्किन के साथ। तीसरी चीज है ये स्टिक ऑन ब्रा, इसको बस आप स्टिक कर लो यहाँ से, आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो स्ट्रिंग के साथ, बैकलेस ड्रेस के लिए परफेक्ट। चीज है ये बूट टेप, इससे आपको थोड़ा लिफ्ट मिल जाता है। इसे आप ऐसे खोलो, कट करो और लगा लो। इसे लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तो इस पे ऐसे मेंशन है, तो आप किसी भी तरीके से इसे लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका ड्रेस है। जो नेक्स्ट चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि इसे यूज करना ही चाहिए, और वो है ये सनस्क्रीन। जो भी आपको सनस्क्रीन सूट करता हो वो सनस्क्रीन आप लेकर जाओ और लगाओ। मैं ज्यादातर लाशील, या तो फिर मेरे पास एक और है जिसका नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उसे बहुत कम यूज करती हूँ, ज्यादातर मैं लाशील ही यूज करती हूँ। मुझे इसका टेक्सचर बहुत पसंद है, मेकअप के पहले मैं लगा लेती हूँ। व्हाइट कास्ट आता है थोड़ा सा, बट वो अच्छे से ना मिक्स होके हट जाता है। और मैंने एक बार अपने डॉक्टर से पूछा था कि व्हाइट कास्ट क्यों होते हैं सनस्क्रीन में ज्यादातर, तो उन्होंने बोला था व्हाइट कास्ट जो होता है ना वो आपको एक फिजिकल प्रोटेक्शन देता है, अगर अच्छे से मिक्स करने से हट जा रहा है तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं होती कि यार ये सनस्क्रीन ही अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें व्हाइट कास्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब आप ट्रेवल कर रहे हो ना तो 4 to 5 hours में सनस्क्रीन जो है ना रीअप्लाई करते रहो, ऐसा नहीं कि सुबह लगा लिया तो हाँ ठीक है अभी तो मेरी स्किन प्रोटेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 4-5 घंटे में सनस्क्रीन अपनी लगाते रहो। नेक्स्ट है मेरा ये टॉयलेट्री बैग, इसे मैंने 370 में लिया था, बहुत स्पेशियस है ये, जितनी भी चीजें मुझे चाहिए होती है वो सब इसमें आ जाती है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे मैंने कल रात में सब कुछ इसमें पैक कर लिया था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा देती हूँ ऊपर ऊपर से। सबसे पहले तो पैड ऑब्वियसली, बैंडेड, टैबलेट बुखार की और उल्टी आने के लिए, ट्रैवलिंग करते टाइम किसी किसी को होता है, मुझे तो नहीं होता नॉर्मली। एक आई कूल, कि मैं लेंस यूज करती हूँ तो मेरी आंखें ना बर्न होने लगती हैं। लेंस मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मुझे पावर है तो मुझे लगाना ही पड़ता है, क्योंकि मैं चश्मा लगाकर नहीं घूमना चाहती हूँ। ईयरबड्स और बैंडेड, तो इस पाउच में ये था, मैं पैक कर देती हूँ साथ ही साथ। नेक्स्ट इस वाले पाउच में मैं रखती हूँ माउथ वॉश, मेकअप क्लिंजर, हैंड सैनिटाइजर, कॉटन पैड्स, टिश्यू पेपर। ये मैंने पाउच लिया था अमेजोन से, इसमें मैं छोटी छोटी चीजें अपनी ऐसे रख लेती हूँ, ऐसे ही आती हैं ये, अपनी चीजें रखो, इसे निकालो और ऐसे चिपका दो। ये मुझे शायद 200 में मिला था, शायद 400 या 500 आया ये मेरे पास, अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है। ये मैं अलग से दिखाने वाली थी आपको प्रोडक्ट में, बट ठीक है अभी इसमें मैंने डाल दिया कल रात में। तो इसमें मैंने रखा है बॉडी लोशन, आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बॉडी लोशन, शार जेल, मुझे ऐसा लगता है क्लास 1 के बच्चे भी मुझसे अच्छा लिखते होंगे, शैम्पू और हैंड वॉश। शैम्पू ना वैसे तो मिलता है होटल में, बट उससे ना मेरे बहुत बाल ऐसे झड़ने लगते हैं, इसलिए मैं अपना ही शैम्पू कैरी करती हूँ। बॉडी लोशन तो मैं अपना ही ले जाती हूँ। ये डिस्पेंसर तो मस्ट, क्योंकि आपको कुछ भी चाहिए इसमें आप थोड़ा सा ऐसे डालो और ये इतना टाइट है ना कि ये खुलता नहीं है, इसे बिल्कुल पैक हो जाता है, निकलेगा नहीं इससे। और प्लास्टिक का है मेन, तो ये डर नहीं है कि आप साथ में रख रहे हैं तो टूट ना जाए। एक बार मुझे याद है कि मैं अपना परफ्यूम लेकर गई थी और वो कांच की बॉटल में था तो वो टूट गया था, तब से मुझे ऐसा हो गया कि यार ट्रैवलिंग के टाइम पे ना प्लास्टिक की बॉटल से ले जाओ, क्योंकि आप जल्दी जल्दी ऐसे रख देते हो चीजें और उठाते हो चलते हो जल्दी जल्दी होते रहता है और गलती से वो टूट जाता है ना, बहुत बुरा लगता है। फेस वॉश ऑलरेडी मेरे पास एक छोटा है ट्रैवलिंग वाला सेटाफिल का, तो मुझे इसे डिस्पेंसर में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑयल, ये परफ्यूम प्लम का बहुत अच्छा है ये, वाओ बहुत ही प्यारी सी स्मेल है, लाइट सी स्मेल है, 4-5 hours के लिए चल जाती है। और ये है इसमें जॉनसन्स बेबी ऑयल, एक्चुअली मैं जॉनसन्स बेबी ऑयल का छोटा वाला पाउच लिया था एक बार और वो ना खुल गया था, मतलब तो टाइट नहीं होता उसका वो पैकेट और पूरा ऐसे ऑयल लग गया था। फिर मेरे पास ये खत्म हो गया था मिनिमलिस्टिक का नया सिनेमाइट, तो मैंने फिर इसमें डाल लिया क्योंकि बहुत टाइट पैक होता है तो निकलने का कुछ वो नहीं है, तो मैं इसमें जॉनसन्स बेबी ऑयल डाल के रखा मैंने मेकअप रिमूव करने के लिए। अभी भी ना इसमें काफी सारा स्पेस है, इससे ज्यादा मैं कैरी नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ना जो स्पेस है यहाँ पे छोटा सा, तो इसमें मैं और टिश्यू पेपर और कॉटन रखती हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए, जस्ट इन केस मुझे जरूरत पड़े तो। नेक्स्ट है मेरा ये मेकअप और स्किन केयर का पाउच, इसमें मेरा मेकअप भी है और स्किन केयर भी है, तो इसमें भी देखते हैं जल्दी जल्दी क्या है, वरना मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अगर ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो भी अपना बेसिक जो स्किन केयर होता है ना वो तो करो ही करो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेकअप से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पफ है मेकअप पफ, अंडर आई के पाउडर लगाने के लिए,
ये ब्यूटी ब्लेंडर, ये पाउडर, ये मेरा लिप ग्लॉस। मैं नॉर्मली लिप ग्लॉस ही लगाती हूँ, ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक, मैं इसको हर टाइम लगाती हूँ, अभी मैंने इसे ही लगा कर रखा है। काजल, मस्कारा, ब्रशेज हैं इसके अंदर, लाइनर मेरा। मैं नॉर्मली फाउंडेशन नहीं कैरी करती हूँ ट्रिप में क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं सिर्फ अपने डार्क सर्कल कवर करती हूँ, ब्लश लगाती हूँ और खत्म। स्किन केयर में मैं क्या क्या ले जाती हूँ, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप मास्क मेरा फेवरेट, रोज वाटर। जब भी मैं ट्रेवल करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा मुझे थकान सी फील होने लगती है ना, तो मैं बस ऐसे ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है। ओह ये तो मस्ट है, मस्ट। मैं सेफ्टी पिन कैरी करती हूँ ऐसे, वो जो मैंने पाउच दिखाया था उसमें, और इसमें मैं अपने हेयर पिन और रबर बैंड, क्योंकि आप कितने भी रबर बैंड लेके जाओ घूमना तो है ही, तो मैं एक्स्ट्रा 3-4 इसमें कैरी करती हूँ। और हेयर पिन, सेफ्टी पिन इसलिए कभी भी कुछ कपड़ा ऐसे फट गया या कुछ भी, मतलब को जरूरत पड़ सकती है, तो सेफ्टी पिन भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मस्ट 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 हैव। ये है बॉडी शिमर ऑयल, तो दिखाती हूँ, बहुत अच्छा है ये, ई शो यू। मैंने इसके पहले ना बहुत सारे बॉडी ऑयल यूज किए हैं, बट ये बॉडी शिमर ऑयल ना बेस्ट है। जब आप बाहर जाते हो ना ऐसे धूप में, तो ये हल्का हल्का ऐसे शाइन करता है, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बट बहुत प्यारा शाइन आता है इसका। ये इसका जो स्मेल है ना वो भी बहुत प्यारा है, ये प्लम का है। जितनी भी चीजें मैंने आपको दिखाई वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, सो डोंट वरी। तो मैं दोबारा पैक कर देती हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी तब तो गया। तो ये थी सारी मेरी ट्रैवल की चीजें जो मैं लेकर ही जाती हूँ, इसके बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ट्रैवल है ना सॉर्टेड ही नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगेगा कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है जो मेन चीजें जो मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ चीजें आप इसमें मिस भी कर दो, पर 4-5 चीजें जो मुझे लगता है कि आपके पास वो होना ही चाहिए। सबसे पहला तो आपके पास पी बडी होना ही चाहिए, दूसरा आपके पास वो ब्लैक पेपर स्प्रे, वो तो आप कार्ट पे डाल लो, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, नॉर्मली आप किसी क्लास भी जा रहे हो या तो कहीं भी जा रहे हो ना, आप बस अपने पास रखो उसे। तीसरा मुझे लगता है सेफ्टी पिंस, चौथा मेडिकल किट, बैंडेड, नॉर्मल दवाइयाँ, बोरो प्लस, कुछ भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो हो सकता है ना आपको हल्का सा बुखार फील हो या कुछ भी, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, फिफ्थ चीज़ जो मुझे लगती है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने कपड़ों में एक्सपेरिमेंट करते हो तो, क्लोथिंग टेप, निपल टेप एंड बूप टेप। लेट मी नो अगर आपको कुछ लगता है मैंने मिस आउट कर दिया है तो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई लव डूइंग दिस वीडियो क्योंकि मैं अपनी ही चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया है वो सब आपको बता रही हूँ, तो ऐसे लग रहा था मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। तो या आई लाइक इट, वैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी पर मुझे लगा कि पता नहीं इस तरह के वीडियो आप लोगों को अच्छे लगेंगे कि भी नहीं, तो अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फिर मैं ऐसी ही वीडियोज और बनाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।